hello everyone this is suman mehta your ss teacher dear students today we will read about the economic growth and development along with accommodation of social diversity in this video i will tell you how the democracy deals with economic growth and development means how it leads economic growth and development in the country and in dictatorship we will know about the facts that uh, whether they, these uh, dictatorships lead to economic growth, develop, and development with rapid speed, rather than democracies or not. So let's start the topic of today: economic growth and development, arthik vridhi or vikas, yani money-wise. कितनी इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है या कितना विकास लोकतांत्रिक सरकारें अपने देश के अंदर कर पाती हैं इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट अगर लोकतंत्र से या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो एक अच्छी सरकार हमें देंगी तो क्या यह सही नहीं होगा कि हम उनसे ये भी उम्मीद रखें कि वो हमारे देश का विकास भी करेंगी मीन्स डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगी तो जरूर हम लोग ये होप रखते हैं क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे देश का डेवलपमेंट लार्ज स्केल पर करेंगी एविडेंस शो दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन और प्रूफ ये बताते हैं कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं अलग अलग देशों के अंदर वो लोगों की इस उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रही हैं क्यों नहीं कर पा रही हैं उसके कई कारण हैं क्योंकि जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो कभी भी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती उसके लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं यानी देश का आर्थिक विकास सिर्फ एक वजह से नहीं होता कई वजह से होता है वो वजह हम आगे पढ़ेंगे इफ यू कंसिडर ओल्ड डेमोक्रेसीज एंड ओल्ड डिकटेटरशिप फॉर द फिफ्टी ईयरस बिटवीन नाइनटीन फिफ्टी एंड टू थाउजेंड डिक्टेटरशिप है स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप उन्नीस सौ पचास से लेकर दो हजार के बीच के पचास सालों का एनालाइज करें और सभी डेमोक्रेसीज को और डिकटेटरशिप को कम्पेरिजन करें तो आप पाएंगे कि डिक्टेटरशिप वाले जो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में थोड़ा सा डेमोक्रेसी से आगे चल रहे हैं यानी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी हमसे ज्यादा है क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डिक्टेटर वाले रूल में वो थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड हैं। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट व और ये भी बात सच है कि लोकतंत्र की ये जो ए, ये काम ना करने की ये जो व्यवस्था है यानी इनएबिलिटी का मतलब अब यहाँ पे कार्यकुशलता का ना होना यानी लोकतंत्र इस समस्या को दूर नहीं कर पा रहा यानी डिक्टेटरशिप से आगे नहीं जा पा रहा इकोनॉमिक ग्रोथ के फील्ड में तो ये चीज हमें हमारे विकास, आर्थिक विकास के लिए चिंता का विषय बनी हुई है यानी हमें थोड़ा सा चिंतित तो होना चाहिए कि हम पीछे क्यों रह रहे हैं बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी लेकिन केवल इसी एक कारण की वजह से हम लोकतंत्र को नकार नहीं सकते यानी रिजेक्ट नहीं कर सकते सिर्फ इसी बेसिस पर कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उतनी नहीं दे पा रहा जितनी की डिक्टेटरशिप में होती है एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स जैसा कि आप पहले भी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है यानी आर्थिक विकास का जो काम होता है वो केवल एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता उसके लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं देश के जैसे कि पॉपुलेशन का साइज यानी जनसंख्या का आकार कितना है छोटा है बड़ा है ग्लोबल सिचुएशंस किस टाइप की बनी हुई है यानी वैश्विक स्थिति कैसी है शांति का समय है या युद्ध का समय है ये भी डिपेंड करता है किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इसके साथ साथ कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज दूसरे देशों के साथ हमारा सहयोग कैसा है हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं या नहीं करते इससे भी किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती या घटती रहती है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडोप्टेड बाय द कंट्री और देश के द्वारा आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता किस चीज को दी जा रही है कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र को या फिर टर्शरी सेक्टर को ये भी मैटर करता है और इसके साथ साथ किसी भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि वहां पर कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि अगर लोग ज्यादा बीमार रहेंगे तो वो मनी अर्न नहीं कर पाएंगे या वो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाएंगे तो ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हम कैसे कर सकते हैं अगर वहां पर किसी भी देश के अंदर लिटरेसी रेट कम है यानी लोग कम पढ़े लिखे हैं तब भी इस टाइप की इकोनॉमिक ग्रोथ की रैपिड स्पीड की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनपढ़ लोग स्किलफुल नहीं हो सकते ज्यादा और ज्यादा स्किलफुल नहीं होंगे तो फिर इनकम की जो इनइवालिटी है वो बनी रहेगी और इसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है हमारी स्लो हो जाएगी तो काफी कुछ कारण हैं जो भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास किस स्तर पर होगा हाउ एवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिएबल तो यहां पर मैं एक बात और भी बता देती हूं आपको कि वो देश जो गरीब है और साथ ही साथ वहां पर तानाशाही शासन है और वो देश जो कि जहां पर लोकतंत्र है लेकिन वहां भी गरीबी है इन दोनों के बीच की जो डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है बेटा वो नेग्लिजिबल है नेग्लिजिबल का मीनिंग क्या है यहां पर ना के बराबर है यानी जिसे इग्नोर किया जा सकता है यानी जो गरीब तानाशाही शासन वाले देश हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं उन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बेस पर या डेवलपमेंट के बेस पर तो वहां पर वो लगभग लगभग समान रूप से दिखाई देता है यानी ग्रोथ रेट लगभग बराबर है तो इसकी वजह से हम ओवरऑल ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी ही दे देगा यानी आपके यहां पर अगर डेमोक्रेसी है तो श्योरली आपका डेवलपमेंट हो जाएगा बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नोट टू लेग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट तो लेकिन पर हम इससे उम्मीद तो लगा सकते हैं कि कम से कम इस फील्ड में भी ये हमें डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं छोड़ेगा मीन्स हम आर्थिक क्षेत्र में भी तानाशाही शासन वाले देशों से आगे रहेंगे ये उम्मीद लगाना जायज है व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स और जब हम इन दोनों के बीच के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं जो कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज वाली हैं तो हमें काफी कुछ कंक्लूजन के रूप में ये पता चलता है कि हर फील्ड में ही डेमोक्रेसी जो है बेटर मानी जाती है और क्योंकि इसके काफी सारे पॉजिटिव आउटकम्स है यानी सकारात्मक परिणाम इसके ज्यादा आते हैं कंक्लूजन में इसकी तरफ से ये जो है काफी सेवरल जो हमारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो हमें निकल कर आते हैं कि काफी फीचर्स जो दिखाई देती हैं गुड फीचर्स जिन्हें हम कहते हैं वो सिर्फ डेमोक्रेसीज में ही पाई जाती हैं रेदर देन डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव तो यहां तक आपने ये चैप्टर पढ़ा और अब आप यहां पर देख सकते कार्टून दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स का 2000-2006 तक और इसमें आप देख पाएंगे कि कुछ लोग ही होते हैं जो रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन वो एन्जॉय करते हैं वेल्थ का पा, और पावर का जबकि दूसरी जो मे, मेजोरिटी दिखाई दे रही है यहां पर दूसरे नंबर के मिडिल क्लास के लोग होते हैं और उनके पास भी कुछ वेल्थ होती है लेकिन ये वेल्थ इतनी नहीं होती कि वो हम उन्हें रिच कह सकें और थर्ड जो है सबसे ज्यादा जो संख्या में लोग होते हैं वो पुअर होते हैं पुअर पर्सन के पास ना वेल्थ है ना पावर है और ना ही उनकी कोई सुनने वाला तो ये एक दिखा रखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल बेसिस पर चलता रहता है अब आप नेक्स्ट पेज पर बेटा ये जो एक एग्जाम्पल दिया गया है इसको अपने लेवल पर पढ़िएगा हालांकि ये जो एक टेबल दी गई है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूं टाइप्स ऑफ रिजाइम्स एंड कंट्रीज यहाँ पर अलग अलग टाइप की कंट्रीज और रिजाइम्स को दिखाया गया क्षेत्रों को दिखाया गया है और उनकी ग्रोथ रेट का कंपैरिजन करके बताया गया है जैसे कि सभी लोकतांत्रिक क्षेत्र जो है यानी देश वहां पर ग्रोथ रेट है 3.95 जबकि डिक्टोरियल जितने भी रिजाइम्स हैं वहां पर फोर है और फिर पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप की जो ग्रोथ रेट है वो है फोर और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसीज की ग्रोथ रेट है फोर टू एट इसी के बारे में यह कहा गया था कि दोनों की ग्रोथ रेट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या निकल कर आता है कि इतना डिफरेंस है कि जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं ठीक है अब आप नेक्स्ट देखिए दूसरी टेबल जिसमें आपको ये बताया गया है कि इन इक्वालिटी ऑफ इनकम कैसे सिलेक्टेड कंट्रीज के अंदर दिखाई गई है साउथ अफ्रीका के अंदर टॉप ट्वेंटी परसेंट जो नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा शेयर करते हैं लोग कितने परसेंट लोग हैं सिक्सटी फोर एट और बॉटम ट्वेंटी परसेंट जो नहीं करते हैं यानी निचले दर्जे के तो वो है आपका यहां पे टू नाइन परसेंट ये सारे ब्राजील रशिया यूएसए यूनाइटेड किंगडम डेनमार्क हंगरी इन सबका ये नेशनल इनकम में शेयर दिखाया गया है टॉप ट्वेंटी कितने परसेंट लोग हैं और जिन जो कि स्टार्टिंग की टॉप ट्वेंटी में आते हैं और काफी जिनका शेयर रहता है नेशनल इनकम के अंदर तो अभी ये आपको इस बात को जानने के लिए मदद करेगा कि इनकम इनइलिटी कितनी विश्व में पाई जाती है नेक्स्ट पेज पर आप पढ़ पाएंगे रिडक्शन ऑफ इनइलिटी एंड पॉवर्टी कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार बेटा जो भी डेवलपमेंट करती है Uh, सबका एक एम होता है कि अपने देश की कैसे डेवलपमेंट की जाए लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ये ज्यादा कंसर्न रहता है कि इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज को कैसे दूर किया जाए मीन्स आय की असमानता को देश के अंदर से कैसे खत्म किया जाए डेवलपमेंट का मुद्दा तो तब होगा ना जब आय की असमानता खत्म होगी यानी कुछ लोग तो इतना ज्यादा कमाते हैं कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं या फिर ये कह सकते हैं कि सरप्लस अमाउंट उनके पास बना रहता है और मतलब बिलियनेर और मिलियनयर कहलाते हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो एवरेज इनकम वाले लोग होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बेसिक लाइवलीहुड की जो नीड्स होती हैं उन्हें भी फुलफिल नहीं कर पाते ये जो इनकम के इनक्वालिटीज हैं इन्हें दूर करना हर डेमोक्रेसी का एक हम कह सकते हैं एक गोल हो सकता है और वो कोशिश करती है सरकार पर हैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रिजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पेरिटी शायद विकास से ज्यादा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के से ये उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो देश में जो आर्थिक असमानता है उसे दूर करेगी इवन वेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ क्या अगर एक देश इकोनॉमिक ग्रोथ गेन कर लेता है तो क्या वो अपनी सारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से कर पाएगा अपने नागरिकों के बीच की वो एक अच्छा जीवन जी पाए ऐसा पॉसिबल नहीं दिखाई देता इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इक्वेलिटी अमंग द पीपल क्या इकोनॉमिक ग्रोथ आने के साथ साथ लोकतंत्र में इनकम इनक्वालिटीज भी बढ़ती चली जाती हैं यस yes, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये साथ ही साथ इनकम इनइक्वेलिटीज इंक्रीज होती हुई दिखाई देती हैं और डू डेमोक्रेसी लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज और क्या सिर्फ लोकतंत्र लोगों को सुख सुविधाएं या सामान उपलब्ध करवाना या अवसर प्रदान करने का ही काम करता है नहीं उसका कंसर्न इस बात से भी होता है कि कैसे सभी लोगों का हर फील्ड का जो है डेवलपमेंट हो और उसको इंश्योर करने के लिए वो इनकम इनइलिटीज को दूर करने की कोशिश करेगा क्योंकि आय की असमानता कुछ है, एक ऐसा फैक्टर है बेटा जिसकी वजह से लोग जो है बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते या फिर एक बेटर लाइफ स्पेंड नहीं कर पाते हैं और काफी कुछ वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं फैसिलिटीज से अब आप इस पेज पर नेक्स्ट साइड देखेंगे डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव आपने आज तक यह कई बार सुना होगा कि डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है यानी राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है ऑल इंडिविजुअल्स जितने भी नागरिक है किसी देश के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इक्वल वैल्यू रखते हैं क्योंकि उनके वोट की वैल्यू सेम होती है पैरेल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल टू द पोलिटिकल अरेना ओन एंड इक्वल फूटिंग जब हम कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी को एक समान रूप से अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं या फिर वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं यानी अपना वोट डाल सकते हैं वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इन इक्वालिटी तो हम देखते हैं कि यहां भी इकोनॉमिक इन इक्वालिटी काम कर रही है मीन्स आय की असमानता के कारण लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि जितना की रिच पर्सन को होता है अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय जो कुछ ही बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो एंजॉय करते हैं किस चीज का हाईली डिस शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम बहुत ज्यादा पैसे और समृद्धि का वो बहुत ज्यादा मजा लेते हैं और इसी पैसे के बल पर वो पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाते हैं और इसी मनी का यूज करके वो फंड प्रोवाइड करवाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और टिकट हासिल करते हैं और इसकी वजह से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए हमेशा आगे बने रहते हैं जबकि जो कॉमन पीपल हैं जो कि पुअर है मेजोरिटी में हैं वो इस राइट से डिप्राइव्ड रह जाते हैं क्योंकि उनके पास ये रिसोर्सेज नहीं होते नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बिन इंक्रीजिंग न केवल उनका जो शेयर है उनकी इनकम का उनकी वेल्थ का वो टैक्स के रूप में देश को प्राप्त होता है और टोटल इनकम को बढ़ाने में मददगार होता है लेकिन क्योंकि अब ये जो टैक्स देते हैं इनकी एक खास जगह भी बन जाती है और ये अपने पावर को यूज भी कर पाते हैं क्योंकि इनके पास मनी है दोज एट बॉटम ऑफ द हैव वेरी लिटिल टू तो डिपेंड अपॉन और ये बहुत कम लोग जो ऐसे बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं हमारे देश के अंदर जो गरीब है जो कि इनके ऊपर आश्रित होते हैं देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग क्योंकि ऐसे पुअर पर्सन की जो इनकम है वो डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है कम होती जा रही है समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ कई बार वो अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी नहीं कर पाते उसको पूरा करना भी एक उनके लिए डिफिकल्ट टास्क बन जाता है जैसे कि अपनी पूरी फैमिली को फूड प्रोवाइड करवाना क्लोदिंग प्रोवाइड करवाना या हाउस एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना उनके लिए सपने जैसा बन जाता है तो ये दिखाया गया है कि इनकम इनइक्वालिटीज की वजह से पॉलिटिकल एरेना के अंदर किस टाइप से कैटेगरी डिवाइड हो जाती है कौन पावर को यूज कर पाता है और कौन इस जो है इससे वंचित रह जाता है इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपियर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वास्तव में आज के दौर में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के क्षेत्र में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं उसके कई कारण हैं। क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में भी आपने पढ़ा था कि पॉवर्टी इन इंडिया किस टाइप से एग्जिस्ट करती है यानी भारत में गरीबी किस किस रूप में पाई जाती है और किस स्तर पर पाई जाती है ये सारी डिटेल मैंने आपको नाइन्थ क्लास में समझाई थी द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अवर वोटर्स ये जो मेजोरिटी में जो पुअर पर्सन है ये बड़ी संख्या में वोटर्स भी हैं एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स और कोई भी राजनीतिक दल इनके वोट्स को खोना नहीं चाहेगा यट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपियर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी हालांकि लोकतांत्रिक ढंग से खुद पब्लिक के द्वारा चुनी गई सरकार भी गरीबी को दूर करने के लिए अच्छे से डील नहीं कर पा रही है यानी गरीबी दूर, कर, दूर करना उनके लिए एक दूस्वपन के रूप में दिखाई दे रहा है यानी बुरे सपने के रूप में दिखाई दे रहा है लेकिन गरीबी अभी कम नहीं कर पा रहे हैं एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू जैसा कि उनसे उम्मीद की गई थी या हम आप उससे उम्मीद रखते थे कि एक लोकतांत्रिक सरकार है तो जल्दी जल्दी यहां से वो कोशिश करेगी पॉवर्टी रिड्यूस करने की द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज और ये जो गरीबी ना दूर कर पाने वाली जो स्थिति है ये हमारे आसपास के कई कंट्रीज में और भी बुरे स्थिति में है यानी वहां पर और भी बुरे हालात हैं इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी बांग्लादेश के अंदर आधे से ज्यादा जनसंख्या गरीबी में जीवन जी रही है पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाईज जो गरीब देशों में रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से अमीर लोगों के अमीर देशों पर निर्भर कर रहे हैं अपने खाने की सप्लाई के लिए कि वहां से खाना कोई प्रोवाइड करवाएगा कोई उन्हें हेल्प देगा और वो सरवाइव करेंगे अब आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स क्या लोकतांत्रिक सरकारें या लोकतांत्रिक जो सिस्टम होता है प्रणाली होती है अपने सभी नागरिकों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना पाती है एक शांतिपूर्ण माहौल दे पाती है उन्हें इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ देखिए ये एक स्पष्ट रूप से हम उम्मीद लगाते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से कि वो अपने सामाजिक जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाने में मदद करेगी यानी हम सब एक शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्दपूर्ण समाज में रह पाएंगे वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन की कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं या सरकारें सामाजिक वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती हैं वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेज अमंग एथनिक पॉपुलेशन हमने पहले चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि बेल्जियम ने जो उनकी विभिन्नता वाला जो उनकी जनसंख्या थी उनके बीच में जो भेदभाव पैदा हो गए थे बातचीत के माध्यम से कैसे सफलतापूर्वक उस समस्या का हल निकाला था डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देर कॉम्पिटिशन आमतौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या करती हैं एक इस इस प्रकार की कार्यप्रणाली को अपनाती हैं जिससे कि लोगों के काम के बीच में वो कंपटीशन कर देती हैं जिससे कि ये कंपटीशन होने की वजह से लोगों के बीच का जो टेंशन है वो रिमूव होने लगता है उसकी रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वो इतना ज्यादा वोलेंट नहीं फॉर्म धारण वोलेंट फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर पाता जैसा कि श्रीलंका में आपने देखा था नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स कोई भी समाज पूरी तरह से अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच के झगड़े को और स्थायी रूप से दूर नहीं कर सकता उस समस्या को दूर नहीं कर सकता बट वी कैन सेटनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसिस क्योंकि इन झगड़ों को सुलझाने का एक ही तरीका है कि जितने भी सोशल डिफरेंसीज हैं इनको हम रिस्पेक्ट करें यानी समय पर इनका, इनको हम वैल्यू दें वी कैन ऑल्सो इवोल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसिस हम इन भेदभावों को बातचीत के का जो सिस्टम होता है उससे रिजोल्व करने की कोशिश करें उससे सोल्व करने की कोशिश करें डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू तो प्रोड्यूस दिस आउटकम और लोकतंत्र के अंदर यही काम ए, एक अच्छा परिणाम साबित होता है यानी लोकतंत्र की एक अच्छी फीचर के अंदर यह भी बात शामिल है कि यह अपने अलग अलग सोशल ग्रुप्स को अकोमोडेट करने में या उनके बीच के झगड़े को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने में मदद करता है नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई आमतौर पर जो नॉन डेमोक्रेटिक गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं या क्षेत्र होते हैं वहां पर आंख मूंद एक ही ग्रुप के ऊपर विश्वास कर लिया जाता है और दूसरे ग्रुप को सुप्रेस कर दिया जाता है यानी दबा दिया जाता है इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को वहां पर नेगलेक्ट कर दिया जाता है नजरअंदाज करके एक ही वर्ग की सुनी जाती है दूसरे वर्ग को दबा दिया जाता है और जिसकी वजह से आगे चलकर वो क्लैश बढ़ जाता है एबिलिटी टू हैंडल सोशल differences, divisions एंड conflicts इज thus a डिफरेंट प्लस point ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स ये जो लोकतंत्र की ये जो कार्यकुशलता है सामाजिक भेदभावों को सामाजिक वर्गों को सामाजिक झगड़ों को, को सुलझाने के लिए कि ये जो इसकी काबिलियत है यही इसको एक इम्पोर्टेंट इसके फीचर को हाईलाइट करती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से डील करती है सोशल डिफरेंसेस के साथ बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका अस लेकिन जो श्रीलंका का उदाहरण है वो हमें याद दिलाता है दैट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम कि कोई भी लोकतंत्र इन दो शर्तों को जरूर पूरा करेगा अगर वो चाहता है इस प्रकार के रिजल्ट किस प्रकार के रिजल्ट जो कि नीचे दिए गए हैं। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन ये याद रखना समझना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी साधारण शब्दों में बहुमत का या ज्यादा लोगों का एक ही वर्ग के ज्यादा लोगों का विचार नहीं हो सकता द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी कि मेजोरिटी को भी माइनॉरिटी को साथ लेकर चलना होगा सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू आम जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों का साथ मिलकर काम करना जरूरी है और यूनिटी बनाए रखने के लिए भी जरूरी है मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जो ओपिनियंस है वो परमानेंट नहीं होते कभी कोई मेजोरिटी में आ जाता है तो कभी कोई और माइनॉरिटी भी इस टाइप से बनती रहती है समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी तो इस टाइप से कभी भी अपने आप को सुप्रीम नहीं समझना चाहिए कि हमारी ही कम्युनिटी का रूल है तो हमारी चलेगी नेक्स्ट जो पॉइंट आउटकम है इसका वो है इट इज आल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एक बात और भी याद रखने वाली है एक बात यह भी आवश्यक है कि शासन चाहे मेजोरिटी का हो लेकिन ये मेजोरिटी का मीनिंग ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मेजोरिटी या एक रिलीजन रिलीजियस ग्रुप की मेजोरिटी या रेस की मेजोरिटी या लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजोरिटी रूल बाय मेजोरिटी का मतलब क्या है दैट केस ऑफ एवरी डिसीजन कि जब भी कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा या इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन और हर इलेक्शन में के संदर्भ में डिफरेंट पर्सनस और ग्रुप्स जो हैं मे एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी वो मिलकर मेजोरिटी बनाएंगे वो मिलकर डिसीजन लेंगे अलग अलग कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल होंगे और इसी को हम मेजोरिटी की परिभाषा कहते हैं यानी मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास के लोग बल्कि सभी वर्गों के लोग मिलकर जो मेजोरिटी बनाकर काम करेंगे एक टीम वर्क करेंगे उसको हम मेजोरिटी कह रहे हैं यहां पर डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज ए चांस ऑफ बींग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक समय पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी लोकतांत्रिक रह सकती है जब ज्यादा से ज्यादा समय के लिए सभी नागरिकों को चांस मिले कि वो मेजोरिटी में आ सके यानी पार्टिसिपेशन कर सकें यानी जब भी चाहे वो सरकार की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका पार्ट बन सकें तभी डेमोक्रेसी सच्चे अर्थों में डेमोक्रेसी रहेगी यानी ट्रूली डेमोक्रेसी तभी स्टेब्लिश हो सकती है जब पार्टिसिपेशन और पब्लिक इंश्योर किया जाए या सभी वर्गों को वहां पर स्थान दिया जाए इफ समन इज बेयर्ड फ्रॉम बींग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ अगर किसी को किसी के जन्म के आधार पर इस मेजोरिटी का पार्ट न बनने दिया जाए या गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट न बनने दिया जाए देन डेमोक्रेटिक रूल सीजीज टू बी एकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप तो यहां पर ये बताया गया है कि जब किसी पर्सन को रोक दिया जाए उसके बर्थ के बेसिस पर मेजोरिटी का पार्ट बनने से या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनने से तो वहां पर वो कैसे काम करेगा तो डेमोक्रेटिक रूल्स जो होते हैं वो रोकती है किस चीज को उस पर्सन को या उस ग्रुप को एक जो न्याय निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने से तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी डेमोक्रेसी का उसमें जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो इस चीज की व्यवस्था करते हैं ये इंश्योर करते हैं कि सभी पर्सन और सभी ग्रुप ल, जो है गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका पार्ट बन सके ताकि ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जा सके तो यहां पर आपने देखा इस कंटेंट के अंदर कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सोशल डायवर्सिटी को अकोमोडेट करता है उनके बीच के डिफरेंसेस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है और उन्हें सोशल जस्टिस दिलवाने में हेल्पफुल है तो यहां तक आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे और इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे थैंक यू वेरी मच